जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर उस दर्द को आप सहते रहोगे तो एक दिन वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। सो हेलो गाइस, मेरे तरफ से आपने क्या बदल गया। तो आज अभी हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले वाला जो वीडियो में बनाया था, इसका एलिमिनेशन मेथड का बेसिक वाला वीडियो था, और एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉम्बाइन हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो करते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ना, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये खुद भी कर सकते हो। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले ऐसा 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों मेथड से हमें क्वेश्चंस का सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक है, और 2x-3y=4, है ना। तो मेरे इन दो लीनियर इक्वेशंस को मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम एक्सरसाइज 3.3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इस मेथड में वो करने में कुछ मेरा डर लगेगा नहीं, बहुत आसान से कर सकते हो। तो इसको ही पहले इसी मेथड से ही पहले करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या होता है, तो हम क्या होता है कि हम फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके, इस इक्वेशन वन से हम एक्स का वैल्यू पता कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन वन से एक्स का अगर पता करेंगे तो वाई को उधर भेजना पड़ेगा, इधर 5 पे। ओके, इधर 5 पे, तो ये प्लस वाई अगर उधर आएगा तो माइनस वाई, है ना, इधर सिर्फ एक्स ही बचा, तो एक्स इक्वल टू मेरा 5-y। तो अभी इसी वाला, ये हमारा थर्ड इक्वेशन मान लो, इसी को अभी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू मिल चुका है ना, इसी वाला एक्स का वैल्यू का इक्वेशन 2 में पुट कर दो, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करो और इसको सॉल्व करो, है ना। इसको ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, है ना। इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 2x-3y=4। तो 2x के बदले अभी x का जो वैल्यू मिला है ना, 5-y, देन -3y=4। अभी यहाँ को इसको सॉल्व कर दे, 2 5 10, 2y, देन ये -3y=4। यहाँ से देखो, -2y-3y कितना होगा, -5y, है ना। इस देखो, ये +10 है, +10 को उधर भेजेंगे तो इधर पहले से ही 4 है, इस +10 को उधर भेजेंगे तो -10, है ना, +10 था उधर जाएगा तो -10, इसका साइन चेंज हो गया, है ना। अभी 4-10 कितना होता है, -6, और ये -5y। तो देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड माइनस थे तो माइनस को माइनस कैंसिल कर दिया। अभी 5y=6, यहाँ से y=6/5, है ना, 5 को उधर भेज दिया तो 6 के नीचे आ गया, 6/5। तो y=, देखो, 6/5। तो y अगर मिल चुका है तो मैं x का वैल्यू पता कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, y का इसी वाला वैल्यू को हम मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, है ना, इसी वाला इक्वेशन में y का इस वाले वैल्यू को पुट कर देता हूँ। चाहो तो आप इसी वाले वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब इससे, अरे यहाँ मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे आसान हो जाएगा, है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना है, 5-y है ना, तो एक्स इक्वल टू 5-y, वाई मेरा क्या है, 6/5, 6/5 है। ओके, तो देखो, 5 के नीचे कुछ नहीं होता, 1, तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों में, 5 होगा, देन 1 5 जा 5, तो 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, देन 1 6 जा 6, अगर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, 5 5 जा 25, 1 6 जा 6, तो यहाँ से 25-6 कितना होता है, 19 19/5। तो एक्स इक्वल टू मेरा कितना हो रहा है, 19/5। ओके, तो ये रहा मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। ओके, अभी मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके, यहाँ से मैं एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ओके, तो इक्वेशन मेरा क्या है, x+y=5, है ना, ये मेरा इक्वेशन 1 है, और 2x-3y, 2x-3y=4, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम x वाला टर्म को एलिमिनेट कर दें या फिर y वाला टर्म को एलिमिनेट कर दें, यानी कि x वाला टर्म को 0 कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, और y वाला टर्म को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो, x को 2x बना सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बना सकता हूँ, y को 3y बना सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बना सकता हूँ,
लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स को ही 2x बना रहा हूँ। ओके, अब चाहो तो वाई को 3y बना सकते हो। देखो मैं एक्स को 2x कैसे बना सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है। इसमें मैं 2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, 2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देख क्या हो रहा है। देखो 2 इंटू एक्स 2x है ना, देन 2 इंटू 4, 2 फोर जा 8, और इधर 5 5 2 जा 10, तो इक्वेशन ये 3 हो गया। ओके, देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को बना दिया। इक्वेशन 1 में 2 को बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x आ रहा है, इधर भी 2x है। तो 2x है, 2x को हम कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं। 2x को 2x से, मतलब 2x और 2x के साथ हम किसी भी, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करके हम इसको 0 बना सकते हैं, है ना, मतलब इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। अब अगर देखो आप इसी तरह से आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, है ना, y को भी 3y बना सकते हो। अगर इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देगा तो 3y हो जाएगा, 3y से 3y 0। अब चाहो तो y को कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे x को किया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं, 2x-3y=4। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2x 2x 0, तो ये देखो एलिमिनेट हो गया। ओके, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या था, 2x+2y है ना, वाई था, 2y था, है ना, 2x+2y। तो देखो यहाँ पे 2y से माइनस करेंगे -3y, तो 2y से -3, माइनस माइनस प्लस ना, 2y+3y 5y=10 से -4 6, यहाँ से y=5 उधर जाएगा तो 6/5। देखो एलिमिनेशन मेथड में भी y का वैल्यू 6/5 ही मिल रहा है ना। देखो अगर y का वैल्यू 6/5 मिल गया, अभी इसी वाले वैल्यू का आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूँ। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, x+y=5 होता है ना, तो यहाँ से x+y कितना है, 6/5=5, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड, इसको एक साइड भेज देंगे ना, तो ये +6/5 है, उधर जाएगा तो -6/5। अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो 25-6 है ना, बिल्कुल इसी तरह से है ना, ये हो जाएगा। तो 25-6 कितना होता है, 19/5, x=19/5 है ना। देखो यहाँ पे जैसे x=19/5 आया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी x=19/5 आ रहा है ना, और वाई भी 6/5, वाई भी 6/5 है ना। मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या समझ रहे हो, कि एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप किसी भी मेथड से करो, आंसर हमारा एक ही आने वाला है, आंसर हमारा एक ही आएगा और वो सही आएगा। ओके, तो चलो हम अभी बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी इसका पार्ट 2।